एक बार शहंशाह अकबर को पड़ोसी राज्य के महाराजा का आमंत्रण आता है, जिसके लिए शहंशाह अकबर और कुछ मंत्री जाते हैं। वे सभी हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ सफर शुरू करते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उनके सामने दो रास्ते आते हैं। वे दोनों ही रास्ते उस महाराजा तक पहुंचने वाले होते हैं। पहला रास्ता छोटा होने के बाद भी शहंशाह अकबर दूसरे रास्ते से जाने की आज्ञा देते हैं। उन पड़ोसी महाराजा से मिलने के बाद शहंशाह अकबर वापस उसी दूसरे रास्ते से लौटकर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर शहंशाह अकबर को उसी राज्य में किसी खास काम के लिए जाना होता है, जिसमें उनके साथ कुछ मंत्री और सिपाही जाते हैं। उनके सामने फिर वे दो रास्ते आते हैं। तब भी शहंशाह अकबर दूसरे रास्ते से होकर जाते हैं और उसी रास्ते से लौटकर भी आते हैं। महल में लौटने के बाद एक मंत्री मंत्री बीरबल जी से पूछता है, मंत्री बीरबल जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? हम सभी ने दो बार सफर तय किया, उस सफर में दो रास्ते आते हैं। दोनों रास्ते से हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते थे। पहला रास्ता तो छोटा भी था, तो हम उस पहले रास्ते से होकर क्यों नहीं गए? उस पहले रास्ते पर शहंशाह अकबर की कई बचपन की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर वे उस रास्ते से होकर जाते तो बचपन की कई यादें भी उभर आती, जिनसे उन्हें सुख की अनुभूति भी होती और दुख की भी। दुख की कैसे मंत्री बीरबल जी? क्योंकि बचपन को वापस नहीं लाया जा सकता मंत्री जी, इसलिए उन्होंने उस रास्ते से जाने से मना कर दिया। सही कहा मंत्री बीरबल जी आपने।